शिवसेना पार्टी ने आपको टिकट दिया है और आपसे पहले भी पोजिशन से चुनाव आप जीते हैं और इस बार फिर आप पोजिशन से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना। क्या कहना चाहेंगे, क्या विजन है और क्या सोच लेकर आगे बढ़ने वाले आप? बोईसर विधानसभा में अलग अलग समस्या है। बोईसर विधानसभा बहुत बड़ी है और क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। यहाँ मच्छीमार भी रहते हैं, यहाँ आदिवासी भी रहता है, यहाँ इंडस्ट्रेट भी है और यहाँ शहर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने में उत्तर भारतीय भी रहते हैं। हर जगह पे अलग अलग समस्या है, जैसे कि मच्छीमारों का भी मैं वहाँ का उनका कैसा उद्योग बढ़े उस हिसाब से फोकस करने वाला हूँ। यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया जैसा बोईसर बहुत बड़ा है तो मजबूत कैसा हो वो वहाँ का कंपनी में भी फिलहाल जो 3-4 साल में जो बंद हुआ है वो वापस चालू कैसा हो उस हिसाब क्षेत्र में मेरा बोईसर विधानसभा में उनकी समस्या आज बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ है, कितनी चुनौतियां मानते हैं? बहुजन विकास आघाड़ी का कैंडिडेट भी है और उबाटा का भी कैंडिडेट है और हमारी एक चुनौती लड़ाई है, लेकिन जनता हमारे साथ है, राज्य रहना सब इस क्षेत्र के हमारे साथ है, इसलिए हमारा विजय पक्का है। आपने बहुजन विकास आघाड़ी कैंडिडेट की बात की, उबाटा की बात की, लेकिन आप ही के पक्ष के जगदीश थोड़ी है, उन्होंने इस समय बंद थोड़ी की और वो भी अपना आंगन में नामांकन भरा है, क्या लगता है आपको? वो हम रेस लेने का टाइम जो है कल तक है, कल वो अच्छा निर्णय लेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। पिछली बार के चुनाव में क्या कमी रही कि आप काफी कम मार्जिन से हारे थे? देखिए उस टाइम में अलग यूनियन थी और बहुत सारी पार्टियां थी, आपको पता है वो मैं चुनाव नहीं ले रहा हूँ, मेरे सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, मेरा चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे सुनिश्चित होगी। अमित फिर से मैं अपने हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि जब तक चुनावी 23 तारीख के बाद मौजूद है पालघर जिला प्रमुख शिवसेना सुंदर गुप्ते, जिला प्रमुख अरुण चौहान साहब, इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं विधानसभा में सुंदर गुप्ते की स्थिति क्या है और कितनी कैंडिडेट है। चौहान साहब क्या कहना चाहेंगे, इस समय पालघर जिले में सुंदर गुप्ते जो आपका पूरी महायुति है, उससे आपके खाते से कितने कैंडिडेट है, उनकी क्या स्थिति, और दूसरी तरफ महायुति के जो और कैंडिडेट है उनके साथ में आपकी क्या रणनीति है? पूरे पालघर जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र पालघर और बोईसर शिवसेना लड़ रही है और हमारे दोनों कैंडिडेट ये लोगों की सेवा करने वाले कैंडिडेट है, इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बोईसर के कैंडिडेट है विलाजी तरेसा और पालघर के कैंडिडेट है राजेंद्र जी गावित साहब, ये दोनों हमारे उम्मीदवार अच्छे बहुमत से प्रचंड बहुमत से चुन के आएंगे। इन दोनों सीटों के अलावा 4 सीटें वहाँ पर महायुति किस तरह से लड़ेगी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी का क्षेत्र हमारा जो 4 सीटें और दूसरी जो बची है और 6 के 6 सीटों पे हम पूरी महायुति अपनी सब पूरी ताकत लगा के लड़ेंगे और हमारी ताकत और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और अजीत पवार साहब, इन्होंने जो लोग अभी ये 2 साल में जो काम किए हैं, जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तरुणों के लिए जो काम किए हैं, उसके बलबूते पर हम प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। पूरे पालघर को एक साइड में रखा जाए, वसई विरार को एक साइड में रखा जाए, वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी पिछले कई सालों से काफी मजबूत है और साथ ही साथ महा विकास आघाड़ी भी मजबूत होकर उभर रही है, ऐसे में कितनी चुनौतियां हैं? हमें हमारे बोईसर विधानसभा सीट पे कोई चुनौती दिख नहीं रही है, क्योंकि हमारे जो सरकार ने आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो सरकार ने जो काम किए हैं
इसके बलबूते पर हमें महिलाओं के, तरुण वर्ग के, सुशिक्षित हमारे जो बेरोजगार है उनके और सभी तरुण मतदाताओं को हमें प्रचंड प्रतिसाद मिल रहा है और हमारी उम्मीदवार अच्छे प्रचंड बहुमत से चुन के आएंगे। क्या विजन है शिवसेना का, किस विजन को लेकर शिवसेना आगे बढ़ेगी? शिवसेना का विजन यही है कि गरीबों के लिए काम करना। हमारे मुख्यमंत्री जब से बने दो साल हुए आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, आपने देखा होगा दोनों साल में, दो साल में पूरी तरह हमारे गरीब बच्चे, गरीब महिलाएं, गरीब जो है महिलाओं के लिए 1500 रुपया, उसके लिए जो भी त्योहार होगा उसके लिए आनंद सुविधा, उसके लिए हर जो हमारी जो बच्ची जन्म देती है उसके लिए सौरभ बीमा, उसके बाद 18 साल के बाद 2000 रुपया हर महीना, उसके बाद भरेश योजना, उसके बाद क्षेत्र मरीजों योजना, ये सब जो योजना है योजनाओं की, ये सब योजनाएं गरीब दी गई है और गरीबों के लिए तो योजना आई है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में ये सरकार पे खुश है और उन्हें प्रचंड बहुमत से सभी उम्मीदवारों को जिताकर फिर से महायुति के हमारे आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता का, जनता के उम्मीदवार बनके आए। बोलसर में जगदीश दोरी जी ने अपक्ष भरा है, बंद किया है, वहीं साथ ही साथ पालघर में पूर्व विधायक उनका टिकट नहीं मिला, तो इन दोनों ही चीजों का असर कितना इस चुनाव पड़ेगा? नहीं देखिए, अभी पीछे रहने की 4 तारीख है, उसमें तब तक हम इसका ये करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता एक दिन एक एक होकर काम करेंगे। कोई इस जो बातें हैं ये आपस में बातचीत करके सुलझ जाएगी और सब अच्छे से अपना उम्मीदवार चुनाने के लिए काम करेंगे। कल जब आप कह रहे थे वसंत चौहान जी से, उन्होंने बताया किस तरह की पार्टी के क्या विजन है और किस तरह से युक्ति से किया। आज के लिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मेरे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।